नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद के में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा दोस्तों, जी हाँ बिल्कुल सही थंबनेल है। मैं आपको पूरी डिटेल में बता रहा हूँ कि वैकेंसी आ रही है या नहीं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैं पेपर का जो कटिंग है लगा दिया हूँ, उसको मैं पढ़ के भी बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर वैकेंसी आई है 15,610। अब इसकी तैयारी कैसी करनी है और कितनी वैकेंसी है, कहाँ कहाँ वैकेंसी है, सब कुछ मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। तो पंचायती राज विभाग में 15,610 बहाली, इसमें से 4,351 जो है वह स्थायी है। कितने हैं? 4,351, मतलब 4,500 लगभग। देखिए 4,351 जो है वह क्या है? स्थायी है। और इसके अलावा जो 11,259 है यह संविदा वाला है। तो देखिए हम लोग को संविदा वाले से मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, संविदा कर्मी नहीं बनना है, है ना। जब इतना मेहनत कर ही रहे हैं तो सरकारी नौकरी क्यों ना ले, संविदा वाले नहीं। लेकिन हम लोग चर्चा दोनों पर कर लें। कुछ लोग जो होते हैं जो भाई शुरुआती दौर में संविदा पर करके और फिर तैयारी करते करते अपना कर लेते हैं, तो दोनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साफ कि नियुक्ति की अधियाचना संबंधित आयोग को भेजी गई है, संबंधित आयोग को भेज दिया गया है। अब ये बहुत ही जल्द आपको बहाली देखने को मिल जाएगा। इसकी तैयारी बिल्कुल कैसे करना है बने रहिए, मैं शुरू से अंत तक वीडियो में बताऊंगा कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या पढ़ना होता है। तो देखिए मैं पढ़ के बता देता हूं दोस्तों, 11,259 पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति होगी। कई पद डीएम भरेंगे, इसमें से बहुत ऐसे जो पद हैं वह डीएम के द्वारा भरा जाएगा। लेकिन मैं फिर बता दूं कि ज़्यादा हम लोग को फोकस करना है, वह फोकस करना है किस पर? 4,351 पर। 4,351 में क्या क्या है ये चीज़ हम ध्यान में देते हैं। पंचायत सचिव का 3,525, यहाँ मैं मिटाता हूँ, पंचायत सचिव क्या कितना है? 3,525, जो कि अच्छा संख्या में है, ध्यान दीजिएगा 3,525। निम्न वर्गीय जो क्षेत्रीय लिपिक हैं उसका 504 है, और उसका पंचायत राज पदाधिकारी का 112 है। पंचायत राज पदाधिकारी का कितना है? 112। जिला परिषद कणिया अभियंता का 104 है, जिला परिषद कणिया अभियंता का 104 है। उसके बाद जिला परिषद में निम्न वर्गीय लिपिक का भाई 72 है। उसके बाद अंकेक्षक का 28 है। उसके बाद कार्यालय परिचारी का 5 है। उसके बाद निम्न वर्गीय लिपि का मुख्यालय में 1 है, ठीक ना। अब हम बात करते हैं कि इसको पास करने के लिए, देखिए पंचायत सचिव हो गया या निम्न वर्गीय लिपिक हो गया, इसको पास करने के लिए आपको इंटर पास की ही आवश्यकता है, केवल इंटर पास। तो अगर आप भी इंटर पास हैं, अगर आप भी इंटर पास हैं तो लग जाइए तैयारी में। अभी बिहार एसएससी इंटर लेवल की वैकेंसी एक पेंडिंग है और दूसरा ये भी आ गया है। तो अगर पिछला वाला भी भरे हैं, सेकंड इंटर लेवल भी भरे हैं, तो उसकी तैयारी करिए, उसी में आपका ये जब आएगा तो ये भी निकल जाएगा, क्योंकि सिलेबस वही है, नौकरी वही है, सब कुछ वही है, एक ही तैयारी में आपको दोनों कवर हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो संविदा वाले, तो संविदा वाले में सबसे ज़्यादा जो है वह लेखपाल सह आईटी सहायक की 7,070, जी हाँ लेखपाल सह आईटी सहायक का 7,070 है। उसके बाद ग्राम कचहरी न्याय मित्र का 2,230 है। उसके बाद ग्राम कचहरी सचिव का 1,400 है। उसके बाद तकनीकी सहायक का 556 है। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर का 3 है। तो कुल मिलाकर के 11,259 संविदा वाले हैं। तो बहुत वैसे लोग हैं जो भाई मजबूरी में जब घर की स्थिति खराब रहती है तो करना ही पड़ता है, तो वहाँ भी आप कर सकते हैं, पढ़ने का समय मिल जाएगा, अब समय निकाल करके फिर इसकी भी तैयारी कर सकते हैं, वहाँ से यहाँ आप आ सकते हैं। मैं ये चल रहा हूँ कि आप लोगों ने अच्छे, अब हम बता देते हैं दोस्तों कि इसकी तैयारी कैसे करनी है। तो इसकी तैयारी करने के लिए सबसे पहले तो आप इंटर पास कम से कम होने चाहिए, उसके बाद आपको फोकस करना होगा मैथ पर, रीजनिंग पर, क्योंकि देखिए इसमें मैथ और रीजनिंग के 75 प्रश्न होते हैं, मैथ और रीजनिंग के 75 प्रश्न होते हैं, और जीके और जीएस के भी 75 प्रश्न होते हैं, जीके और जीएस के भी 75 प्रश्न होते हैं। इसमें जो लगभग कट ऑफ होता है वो आपका 110 से 115 में आपका जो है वह कट ऑफ हो जाता है। तो आपको मैथ पर फोकस करना है,
और GKGS पर भी फोकस करना है, किसी को हल्के में नहीं लेना है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसमें आपका सिलेक्शन हो तो अभी से ही तैयारी में लग जाए। देखिए, भोज के दिन कोहरा रोपेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। मैं बार बार कहता हूं कि भोज के दिन कोहरा रोपने से कोई लाभ नहीं होता है। तो इतनी बड़ी वैकेंसी आ रही है, और चूंकि एक 13,000 वाला पहले भी आया हुआ है और उसके बाद इसमें भी और सीट बढ़ेगा, ये जो 4351 है ना, इसमें और भी सीटें बढ़ेंगी। तो बिल्कुल तैयारी में लग जाएं, अगर चाह रहे हैं कि लेना है नौकरी तो लग जाएं।